और थैंक यू वंस अगेन वैभव जी, जो आपकी लीडरशिप में हमें आज सेशन अटेंड करने का एक मौका मिला। मेरा एक क्वेश्चन था कि आप एनिमा के बारे में बता रहे, तो उसमें ये थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि एनिमा कितने दिन तक कंटिन्यू लिया जाना चाहिए, और एनिमा के ड्यूरेशन में क्या डाइट हमें रिकमेंड या हमें खुद को लेना चाहिए? नहीं, वो डिपेंड करता है। देखिए, एनीमा जो है वो तो 1 महीना लेना ही चाहिए। अगर कोई लोग कुक फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो बहुत सारा कचरा बॉडी में पड़ा रहता है। अगर कहीं आप हाथों को काट के देखेंगे तो सीमेंट जैसा कचरा हाथों में पड़ा रहता है, निकलता नहीं है, जी सीमेंट जैसा डिपोजिशन हो जाता है। तो एनीमा तो है, 1 मंथ तो रेगुलर लेना ही चाहिए, 2 से 3 बार, सुबह दोपहर शाम, नेचुरल कॉल के बाद। और 11.5 एक बहुत बड़ा टूल है। गुजरात में तो लोग बड़े बड़े प्रयोग कर रहे हैं, जो नेचुरोपैथी सेंटर है, 11.5 pH से एनीमा दे रहे हैं, और उसी से लोगों के बहुत सारे रोग छूमंतर हो रहे हैं। कैंगन वाटर से, सुपर मशीन से निकाल निकाल के 11.5 दे रहे हैं, और उसका एनीमा भी दिया जा रहा है। तो गुजरात में तो बहुत भयंकर रूप से इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, और बहुत सफलता लोगों को मिल रही है वहाँ पर। तो भाई वो तो सफाई है, वो कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, और अगर अच्छी हैबिट लग भी जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जी जी जो है कैंगन पानी का एनीमा आप 1 मंथ कंटिन्यूस लें, और आपको जब अच्छा लगने लगे तो जो है आप उसको बंद कर दें, 10 डेज में एक बार करें। और जहाँ तक डाइट की बात है, हम तो शुरू से कहते हैं कि बॉडी, जो भी लोग हैं ओवर ईटिंग कर रहे हैं, इतना ईटिंग का ज़रूरत ही नहीं है। तो कैंगन हम कितना पियेंगे भाई, आप बार बार ऑक्सीडाइज बॉडी को कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि अब आप जो है कैंगन पानी मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिए, और उसके बाद जी जो है रॉ ईटिंग करें और फिर कुक फूड लें। तो यही शेड्यूल अगर आप रखेंगे तो जो है आप ठीक होंगे। उसके बाद कोई बॉडी बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो फिर हम उसको सलाह देते हैं कि वो ग्रेप्स पे आ जाएं। जो ग्रेप्स जो है, जी जैसे जी गोली जी खा जी रहे हैं मुट्ठी भर भर के, तो ग्रेप्स खाएं, वो भी उसको गोली समझ के खा लें जो है, बिल्कुल और जो है बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाई करें। जैसे ब्लॉकेज में हम मना करते हैं कि आप कैंगन पानी पियो, 2 11.5 pH का पानी पियो, है ना, और उसमें इमली डाल के पियो, और जो है कुक फूड जो है वो तेल घी ऑयल इन चीज़ों से बचो, बॉइल्ड फूड खाओ। तो 12 15 दिन में आप देखते हैं कि जो है ट्राइग्लिसराइड कम होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आने लगता है। तो कई लोग जो है, जिनको डॉक्टर ने एंजियो प्लास्टिक का बोला था, है ना, बायपास का बोला था, वो लोग जरूरत ही नहीं पड़ा, सारे लोग ठीक हो रहे हैं सिर्फ जो है छोटे छोटे प्रयोग करके। तो एनिमा जो है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिसने नहीं लिया, फर्स्ट टाइम ले रहा है, उसको तो 1 महीना लेना चाहिए, उसके बाद बंद करना चाहिए। धीरे धीरे करके फिर कम कम लो और फिर बंद कर दो उस चीज़ को। कार्बन बॉडी में बिल्कुल जाएगा तो एनिमा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो डिपोजिशन होगा। जब भी गैस बन रही है, एसिडिटी बन रहा है, जी मचला रहा है, घबरा रहा है, मतलब बॉडी में कचरा है, तो उसको निकालना